हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट SD-WAN। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि SD-WAN टेक्नोलॉजी क्या है। तो अभी हम पहले SD-WAN से पहले एक नॉर्मल राउटिंग आर्किटेक्चर समझते हैं कि एग्जैक्टली कैसे चलता है वो। ठीक है, तो होता क्या है कि कोई भी ट्रैफिक जो है आपका, ठीक है, वो राउटर के इनकमिंग पैकेट्स, मतलब कोई भी एक इंटरफेस के अंदर पैकेट आ रहा होगा और राउटर क्या करता है, उसे बाहर सेंड करता है, इतना आपको पता है। बट एग्जैक्टली क्या होता है, जो इनकमिंग पैकेट होता है वो जो इंटरफेस होता है उसको बोलते हैं इनग्रेस इंटरफेस, जहां पर ट्रैफिक आ रहा है। तो डिवाइस के अंदर जा रहा होगा, मान लो ये राउटर है, राउटर के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो हमारे ना हर एक राउटर के अंदर, मतलब चाहे वो सिस्को का हो, जूनिपर का हो, किसी भी कंपनी का हो, तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है कंट्रोल प्लेन और एक होता है डेटा प्लेन। ठीक है जी, कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन में क्या रहता है। कंट्रोल प्लेन मतलब जो आपका एग्जैक्टली राउटिंग इंजन्स हैं, जो पूरा ब्रेन फंक्शनैलिटी है राउटर की, वो क्या है, कंट्रोल प्लेन है, कि कैसे वो मैनेज होगा। जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर CPU होता है, ठीक है, वही पूरी इंस्ट्रक्शंस को मेंटेन करता है। तो वैसे कंट्रोल प्लेन जो है आपका, वो सारे डिसीजंस लेता है। ठीक है, तो कंट्रोल प्लेन के अंदर राउटिंग टेबल आपका, CPU, ARP पैकेट, ये सारा जो डिसीजन मेकर है वो कंट्रोल प्लेन है। तो एग्जैक्टली क्या होता है, जब पैकेट आता है, मान लो ये आपके इंटरफेस है, यहाँ से पैकेट अंदर आया, ये पैकेट अंदर कहाँ जाएगा, कंट्रोल प्लेन में जाएगा। कंट्रोल प्लेन के अंदर यहाँ पे राउटिंग टेबल वगैरह है, तो राउटिंग टेबल को हम बोलते हैं RIB। ठीक है, तो RIB होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस। तो राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस ये कंट्रोल प्लेन है, दिस इज कंट्रोल प्लेन। तो यहां पर सारे डिसीजन होते हैं, तो उसी का एक कॉम्प्रेस्ड फॉर्मेट टेबल बनता है, जिसे बोलते हैं FIB, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। ठीक है, तो डेटा एक्चुअली कैसे मूव होता है, जो कंट्रोल प्लेन है उसने रिब है, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस, मतलब इसी को राउटिंग टेबल बोलते हैं हम, राउटिंग टेबल को ही रिब बोलते हैं एक्चुअली। तो राउटिंग टेबल के अंदर पूरा देखा कि किधर किधर जाना है, कौन से नेटवर्क पे जाना है, बिकॉज हर एक पोर्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क होता है राउटर पर। तो राउटिंग टेबल देखता है किस साइड से जाना है। तो कंट्रोल प्लेन वो सारा देखने के बाद, ARP कैश वगैरह, तो वो दोबारा से डेटा प्लान को ट्रैफिक दे देता है। जैसे कि इधर देखिएगा, जो इनग्रेस इंटरफेस है, डेटा इसके पास आया, डेटा प्लेन, और ये किसके थ्रू बन रहा है, ये जो पूरा डेटा प्लेन है ये कंट्रोल प्लेन की थ्रू बन रहा है, बिकॉज कंट्रोल प्लेन में राउटिंग टेबल है। जो भी इंफॉर्मेशन है वो जो रिब है, रिब से सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है, फिब के अंदर जा रही है, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। तो फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस क्या है, एक तरह से सीधा डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए काम आता है, जिसे फिब बोल देते हैं। ठीक है जी, तो यहां से आया राउटिंग टेबल के अंदर कॉम्प्रेस फॉर्मेट देखा, तो ऐसे डेटा प्लेन ऐसे बाहर ट्रैफिक निकलता है। तो अगर हम एक नॉर्मल आर्किटेक्चर में बात करें, तो हमारे डिवाइस के अंदर क्या क्या रहता है, एक राउटर के अंदर, एक अच्छे डिवाइस के अंदर क्या क्या रहता है, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ठीक है जी, तो जो मैनेजमेंट प्लेन है वो तो क्या है, जो भी आप राउटर का CLI एक्सेस करते हैं। तो कंट्रोल प्लेन क्या है, यहाँ पर मैंने क्या बताया, डिसीजन जो हो रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर दिस इज, ये इंटरनेट है, इस पोर्ट पर इंटरनेट कनेक्टेड है, तो यहाँ पर एक कोई मशीन है, लैपटॉप है, यहाँ से उसने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करी, तो पोर्ट के अंदर गई और यहाँ पर कंट्रोल प्लेन के अंदर डिसीजन हुआ। ठीक है, और ये पीछे एक डिवाइस में दिख रहा है स्विच फैब्रिक। ठीक है, तो फैब्रिक क्या होते हैं, ये जो अलग अलग दिख रहे हैं ना आपको स्लॉट्स, इनको हम नेटवर्क्स में लाइन कार्ड्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लाइन कार्ड्स। ठीक है, इनके बीच में जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, जो डिवाइस के अंदर डेटा ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम स्विच फैब्रिक बोल देते हैं। ठीक है, तो जो डेटा इस पोर्ट से, मान लो इस पोर्ट पर जा रहा है, तो एक लाइन कार्ड से दूसरे लाइन कार्ड पे ट्रैफिक जा रहा है, तो दैट इज नोन एज स्विच फैब्रिक। ठीक है, बैक प्लेन भी कह सकते हो आप इसे। तो जो इनके बीच में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, स्विच फैब्रिक है। तो बेसिकली हमारे डिवाइस में ऑलमोस्ट तीन चीजें हुई, एक होता है कंट्रोल प्लेन जो पूरा दिमाग है, ठीक है जी, डेटा प्लेन या इनपुट आउटपुट मॉड्यूल कह सकते हो, डेटा प्लेन या फिर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, जहां से डेटा ट्रैफिक फॉरवर्ड होगा, और एक होता है आपका स्विच फैब्रिक। तो इन दोनों के बीच में जो कंट्रोल प्लेन है, और मैंने क्या बताया, ये सारे स्लॉट अलग अलग हैं, तो इनके बीच में जो डेटा जा रहा है, आ रहा है, तो वो कौन कौन करता है, स्विच फैब्रिक करता है। ठीक है,
तो ये समझ लीजिए जितने चार स्लॉट्स आपको दिख रहे हैं ये आपस में किसकी वजह से कनेक्टेड है, ये स्विच फैब्रिक इनको आपस में कनेक्ट कर रहा है। समझ आया? आई होप क्लियर हो गया होगा, अगर हो गया तो चैट में यस लिखो। ओके ग्रेट, ठीक है, तो दोबारा से एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कोई भी राउटर होता है, कोई भी मशीन है, उसके अंदर कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन होता है। ठीक है, तो कंट्रोल प्लेन इज लाइक जो भी डिसीजन मेकर है, जैसे हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन है, तो हमारा ब्रेन जो है वो कंट्रोल प्लेन है, और जो फंक्शनैलिटी कर रहा है, मतलब हाथ ऐसे चल रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, या कोई भाग रहा है, वॉक कर रहा है, तो वो क्या है, वो डेटा प्लेन है। तो जो ब्रेन है दैट इज कंट्रोल प्लेन। ओके, सिंपल लैंग्वेज में समझाया मैंने। अब यहाँ पर कोई भी डेटा है, जैसे किसी हर एक पोर्ट पर डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क है, तो कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, तो ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से यहाँ मूव हो जाएगा, नो, पहले ये कंट्रोल प्लेन पे जा रहा है, वहां देखा जा रहा है, अगर उसका कॉम्प्रेस्ड उसके जो राउटिंग टेबल है तो उसके अंदर डिसीजन देखे जा रहे हैं, और फिर देखता है कि कौन से नेटवर्क पे जाना है, फिर उस आउटगोइंग इंटरफेस पे ट्रैफिक फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, तो ऐसे काम होता है। तो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से ट्रैफिक इन और आउट होती है, सुपरवाइजर इंजन भी कह सकते हैं इन्हें, कंट्रोल प्लेन जो होता है हमारा, जो दिमाग होते हैं वही सारे डिसीजन ले रहा है, और जो पीछे स्विच फैब्रिक है वो क्या कर रहा है, जो इनके बीच में जो डेटा आ रहा है जा रहा है, जो आपस में डिवाइस के अंदर जो ट्रैफिक मूव हो रही है, उसे हम स्विच फैब्रिक बोल सकते हैं, वो स्विच फैब्रिक का काम है। डन। लाइन मॉड्यूल इनको ही कह देते हैं यार, लाइन कार्ड्स को ही, लाइन मॉड्यूल्स, लाइन कार्ड्स, दीज आर द सेम सिनोनिम्स ऑफ लाइन कार्ड्स। तो अगर हम SD-WAN की बात करें तो सेम यही चीज है। तो SD-WAN में क्या होता है, देखिए SD-WAN में ये आपका कंट्रोल प्लेन है, ये जो एक वी स्मार्ट और वी मैनेज जो ये है, ठीक है जी, तो आप ये समझिए ये क्या आपके कंट्रोलर्स हैं, ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है ये आपका कंट्रोलर है, और ये जो वी एज एक राउटर सी होते हैं ये भी, जो वी एज है। तो पहले क्या होता था, अगर एक पूरा बड़े नेटवर्क की बात करें, बहुत बड़े कैंपस की, बहुत बड़ी कंपनी की, तो अगर उनकी कंपनी में मान लो 6000 राउटर हैं, तो मान लो एक कंपनी के अंदर 5000-6000 राउटर्स हैं, बड़े बड़े ISP, मतलब कोई भी एक लोकेशन लगा लो, कोई बड़ी कंपनी लगा लो, तो उनके 5000 राउटर्स के अंदर अलग से उनके अलग अलग दिमाग चल रहे हैं, ऊपर से उनके अलग अलग डेटा प्लेन चल रहे हैं। तो 6000 राउटर्स को आप एक साथ चलाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब सबका दिमाग एक जैसा करने की कोशिश कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि ये राउटर है, ठीक है, एक ये राउटर है और एक ये राउटर है, ठीक है जी, तो आप ये चाहते हैं राउटिंग पॉलिसी में कि ये राउटर, नाम दे देते हैं इनको ABC, तो सी राउटर को ए के पास जाना है बट बी के थ्रू जाना है, मतलब सी ने डायरेक्ट नहीं जाना इधर से, हमने क्या करना है, सी को पहले बी पर भेजना है, फिर बी को हमने ए पर भेजना है। तो मतलब सिर्फ तीन राउटर के सिनेरियो में हमें तीन राउटर के ब्रेन्स के साथ, मतलब कंट्रोल प्लेन के साथ, यानी राउटिंग टेबल के साथ हमें पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी कि इधर से चले जाओ, इधर से चले जाओ, वाया राउट मैप्स या जैसे भी है ना। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल डिवाइसेस कंट्रोल प्लेन, वैसे हालांकि चल रहा है, बट दिस इज ट्रेडिशनल मेथड, ये तो चल ही रहा है, बट अब नया क्या, दिस इज ट्रेडिशनल मेथड दैट एवरी राउटर हैज देयर कंट्रोल प्लेन एंड फॉर एवरी राउटिंग पॉलिसीज वी हैव टू मैनेज द कंट्रोल प्लेन, राइट, किसके थ्रू, कंट्रोल प्लेन कैसे मैनेज होता, कोई भी फिल्टर कर दिया या कैसे भी हमने राउटर फॉरवर्ड कर दिया, राइट और एक चीज और मैं आपको बताना वाला था कि आपकी जो ट्रैफिक होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है आपकी राउटिंग ट्रैफिक और एक होती है आपकी राउटेड ट्रैफिक। तो अगर एक यूजर है, अगर वो इंटरनेट पर जाना चाह रहा है, तो वो क्या लेके जाता है, डेटा, जिसे पेलोड कह देते हैं ना, ये यूजर ने इंटरनेट पे जाना है, तो ये बेसिकली पूरी ट्रैफिक घूम के डिवाइस में से निकल के बाहर जा रही है, तो इसे क्या कहेंगे, राउटेड ट्रैफिक, दिस इज राउटेड ट्रैफिक। ठीक है, तो राउटिंग ट्रैफिक कौन सी होगी,
जैसे एक इंटरफेस से ट्रैफिक इधर निकली, तो यहाँ जो डिवाइस के अंदर का कंट्रोल प्लेन का काम है, इसका काम क्या है, राउटिंग करना, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और राउटेड ट्रैफिक के अंदर सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, सुपरवाइजर, ठीक है, स्विच फैब्रिक, तो एवरी थिंग कम्स वेन वी टॉक अबाउट राउटेड ट्रैफिक। राउटिंग मतलब क्या है, एक एक राउटर ने दूसरे राउटर से कम्युनिकेट करना है, तो वो कंट्रोल प्लेन वाला डिसीजन है, ठीक है जी। जितने भी कंट्रोल प्लेन है वो काम करते हैं, जैसे चार राउटर होते हैं हमारे नॉर्मल कंपनी में, तो जब हम OSPF, EIGRP वगैरह कुछ भी हम BGP चलाते हैं, तो क्या काम होता है, कंट्रोल प्लेन का काम होता है, राउटिंग टेबल्स एक्सचेंज हो रहे होते हैं, बट डेटा मैनेज नहीं हो रहा होता है ना। जब OSPF का हेलो जा रहा है या कुछ भी, जो भी ट्रैफिक होती है राउटिंग की, वो कंट्रोल प्लेन पे चल रही है, ठीक है जी। तो डेटा जो होता है हमारा, वो आपका तीनों चीजें कर रहा है, कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन और स्विच फैब्रिक। तो जो SD-WAN टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो कंट्रोलर्स हैं वो एक लोकेशन पे रख दिए, स्पेसिफिक रख दिए, और जितनी आपकी ब्रांचेज हैं, 5000 राउटर या कितने भी राउटर हैं, तो वो आपके क्या है, वो डेटा प्लेन है। मतलब ट्रैफिक यहां से यहां फॉरवर्ड हो रहा है, और सारा जो हम डिसीजंस हैं वो हम कहां बना रहे हैं, इस एरिया में। तो अलग अलग डिवाइस होते हैं, वी स्मार्ट अलग होते हैं, वी एजेस अलग हैं। तो आगे की क्लासेस में अभी सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, आर्किटेक्चर बता रहा हूँ कि क्या होता है। तो इसमें आप ये समझिए कि कंट्रोल प्लेन ये है, डेटा प्लेन ये है, तो स्विच फैब्रिक कौन है आपका, इंटरनेट, दिस इज स्विच फैब्रिक। जो पूरा आपका नेटवर्क है, इंटरनेट, 4G सिम के थ्रू चला रहे हैं, चाहे आप MPLS लिंक के साथ चला रहे हैं, तो ये जो ट्रैफिक यहां से यहां मैनेज हो रही है, बिकॉज कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन में क्या होता था, ऊपर वाले डिवाइस में, नॉर्मल ट्रेडिशनल में, स्विच फैब्रिक, राइट। तो स्विच फैब्रिक का काम, ये पहले क्यों नहीं चली टेक्नोलॉजी, बिकॉज पहले इंटरनेट इतना रिलायबल नहीं था, अब बेटर हुआ है पहले के कुछ टाइम में, इसी वजह से आपका इंटरनेट एक तरीके से क्या हो रहा है, स्विच फैब्रिक की तरह काम कर रहा है। यानी कोई भी ट्रैफिक आएगी, सारे यहीं से डेटा फॉरवर्ड वाला काम होगा, वो तो यहीं से यहीं कर लेंगे, बट अगर कुछ भी डिसीजन मेकर है, जैसे कोई राउटिंग पॉलिसीज है या कुछ भी है, वो सारा का सारा कहां मैनेज हो रहा है, वो कंट्रोल में, जो आपके यहां पर हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं जैसे ये वाला डिवाइस यहां इसके साथ कम्युनिकेट करे, तो हमें इन सारे राउटर्स पे पॉलिसीज बनाने की जरूरत नहीं है, समझ रहे आप। जैसे ये पहला जो डिवाइस है, ये मान लो हैदराबाद का है, और ये लास्ट वाला जो है, ये क्लाउड है, डेटा सेंटर है, कैंपस है, ब्रांच है। जैसे डेटा सेंटर से ब्रांच में ट्रैफिक फॉरवर्ड होनी है, बट आप कुछ पॉलिसी चाहते हैं कि यहां से हो या वहां से हो, हैदराबाद से बैंगलोर हो, बैंगलोर से दिल्ली हो, जो भी आप चाहते हैं, तो वो आप यहां पर डिफाइन करेंगे, यहां पर आप कुछ भी नहीं करेंगे, यहां पर सिर्फ डेटा ट्रैफिक मूव हो रही है, डिसीजन मेकर ये है। तो इसमें प्रॉब्लम आती है, अगर आप सोचो, क्योंकि अभी अगर आप सोचो ये बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी है, इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट, एक कहावत है ना, लाइक ए स्नेक विद टू हेड्स गो नोवेयर, राइट। तो एक सर का मतलब, एक सांप है उसके दो सर है, वो कहीं नहीं जाएगा, मतलब कहां कहां जाएगा, इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है, वही वाली बात है। तो अगर इसके अंदर कंट्रोल, जैसे हमारे डिवाइस है, अगर इनके बीच में भी ये भी कम्युनिकेशन इंटरनेट के थ्रू होता है इनके बीच में भी, क्योंकि हो सकता है ये कंट्रोल आप हैदराबाद से कर रहे हैं, ये बैंगलोर से कर रहे हैं, ये आप दिल्ली से कर रहे हैं, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन एरर आ गया, इंटरनेट आ गया, तो क्या होगा, सारे सबके अंदर राउटिंग पॉलिसी सबके सिंक में नहीं होंगे, तो एक ये इशू हो सकता है। अगर हमारा यहाँ पर इंटरनेट अच्छा नहीं चल रहा, तो भी इशू हो सकता है, राइट, क्योंकि आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। देर आर फ्यू, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि एकदम से बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी भी नहीं है, बट यस, इट्स डेफिनेटली, जैसे ये पूरा रिलायबल है इंटरनेट के ऊपर। MPLS टेक्नोलॉजी हो, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी हो, ब्रदर वही एग्जांपल मैंने दिया, MPLS भी आप राउटर्स के ऊपर चलाएंगे ना, हर राउटर का अलग कंट्रोल प्लेन है। SD-WAN टेक्नोलॉजी इसलिए हिट हो रही है बिकॉज कंट्रोल प्लेन एक ही जगह पे हो रहा है, पूरे डिसीजन एक ही जगह पे हो रहे हैं, अलग अलग 6000 राउटर्स में आप डिसीजन नहीं बना रहे हो, कुछ भी होता है ये चीजें इजी हैं। ओके, गॉट इट।
तो एमपीएलएस चलो चाहे 4G चलाओ, दिस इज जस्ट ए नॉर्मल कनेक्टिविटी. एक्चुअली SD-WAN टेक्नोलॉजी आ क्यों रही है, बिकॉज कंट्रोल प्लेन जो है वो मैनेज हो रहा है. जहां बहुत सारे राउटर्स होते थे वहां पर अब थोड़ा ये लगाइए कि ईज है. जितनी ब्रांचेज होती हैं आजकल कंपनीज की, अब कुछ भी आप पॉलिसी डिफाइन करना चाहते तो एक डिवाइस है उसके अंदर से ही डायरेक्ट आप मैनेज कर सकते हैं. ठीक है जी.